कर्नाटका के कोलार में मुस्लिम नौजवानों ने जहेज की लानत को खत्म करने के लिए और शादियों को आसान बनाने के लिए इज्तिमाई शादी का अहतमाम किया। 8 मुस्ताहक जोड़ों की इज्तिमाई शादी मुनक्किद हुई। इसका मकसद समाज में बढ़ रही दहेज की मांग में हो रही शादियों की रोकथाम था। इज्तिमाई शादियों में दूल्हा और दुल्हन ने कोलर के नौजवानों का शुक्रिया अदा किया। अच्छा लगता है भाई, गरीब लोगों को करते शादी करते हैं ना, बहुत फायदा होता है। खुद गरीब लोगों को बहुत जने शादी नहीं कर पाए, जो गरीब लोगों माँ बाप रहते हैं उनको कमेटी वाले सब जम के सब शादी कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छा फायदा होता है, नेकी का काम है, बहुत सवाब। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस्लाम के तरीके से कर रहा हूँ ना, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। बेंगलुरु जैसे शहरों में शादियों में लाखों का खर्च किया जाता है, जिसका असर दीगर जिलों और गाँव में भी पड़ता है, जिसकी वजह से गरीब खानदान की लड़कियों की शादियों में परेशानी हो जाती है। इसी वजह से कोलर के नौजवानों का कहना है कि अमीर हो या गरीब, सब अपनी शादियां इज्तिमाई तौर पर ही करें ताकि शादी को आसान बनाया जाए। तो जहेज का खात्मा और एक मिसाल है, जो मालदार हैं उनके लिए एक मिसाल है कि ऐसा भी होता है शादी। इज्तिमाई शादियों के अलावा हमारा ये प्लान है कि एक नौजवानों में एक अवेयरनेस आ जाए दहेज को लेकर, या बड़ी शादी को लेकर, या धूमधाम की शादी को लेकर एक नौजवानों में एक अवेयरनेस आ जाए कि बिना जहेज के शादी हो जाए। क्योंकि ये माशरे में हम लोग देखते हैं बहुत सारे घरों में लड़कियां बैठी हुए जहेज की वजह से, इसलिए ये एक पैगाम है, एक अवेयरनेस। मुस्लिम माशरे में दहेज और महंगी शादियों की चैन जोरों से चल रही है, ये मसला तकरीबन हर जगह से सामने आया है। ऐसे में नौजवानों को इसी तरह के इकदाम उठाना जरूरी है। कोलर से शाहिद काजी की रिपोर्ट। और चलते चलते